आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो तीन ऐसे फॉर्मूले की जो कि जीवन भर काम आते हैं आपके। 9 से स्टार्ट हो जाता है इनका यूज और 9 से लेकर आगे जीवन भर जब तक आप फिजिक्स पढ़ोगे, जब तक आप मैथमेटिक्स पढ़ोगे, तब तक ये फॉर्मूले आपको पीछा नहीं छोड़ते। लगातार कहीं ना कहीं इनका यूज होता रहता है फिजिक्स में और आपका मैथमेटिक्स में भर भर के यूज होता है। समाकलन में तो बहुत ज्यादा यूज है और फिजिक्स के बहुत सारे डेरिवेशनों में भी इनका यूज है। तो इसलिए बायोलॉजी वाले, मैथमेटिक्स वाले इत्मीनान से इस वीडियो को पूरा देखना। कौन से की बात कर रहा हूं मैं? कभी कभी मैंने समाकलन किए थे, जैसे कि आपका समाकलन 1 cos θ, नीचे आपका 1 cos θ दे रखा है। तो हमने जहां पर 1 cos θ आया था तो वहां पर मैंने ये चीज लिख दी डायरेक्ट, और जहां पर 1 cos θ आया तो वहां पर मैंने ये चीज लिख दी। तो ये आया कहां से, ये चीज कहां से है? और एक चीज sin θ यहां पर आता है तो मैं वहां पर 2 sin θ/2 cos θ/2 लिख देता हूं। ये कहां से आए फॉर्मूले, इनको जरा थोड़ा सा समझिएगा, क्योंकि ये हर जगह यूज होता है इनका, फिजिक्स के डेरिवेशनों में भी काफी यूज है। तो देखिए, आज मैं आपको बता देना, आज के बाद में कभी नहीं भूलोगे आप, ठीक है? देखिए, आपने एक फॉर्मूला तो आपने बहुत अच्छी तरह से सोचा पढ़ा होगा, sin 2θ बराबर क्या होता है, 2 sin θ/cos θ, यही होता है, सभी लोग जानते हैं। तो इसमें क्या है कि यहां पर जो भी एंगल होता है, जैसे 2θ है तो यहां पर क्या आया, 1θ आया। यदि ऐसे ही इसी से फॉर्मूला बन गया कि यदि यहां पर sin 8θ हो तो यहां पे 2 sin, यहां पर क्या आ जाएगा, 4θ, और यहां पर cos 4θ। मतलब क्या समझे, यहां पर जो भी एंगल होता है उसका आधा रहता है। यहां पर 8 है तो 8 का आधा 4θ आ गया। यदि यहां पर आपका sin 6θ है तो यहां पर कितना आ जाएगा, 2 sin 3θ/cos 3θ, इस तरीके से। तो ऐसे ही यहां पर आपका एक फॉर्मूला बन जाता है, sin θ बराबर क्या हो जाएगा, 2 sin θ/2 cos θ/2। समझ में आ गई बात कि यहां पर 1θ है तो 1 का आधा आधा, यानी θ/2 θ/2, बात समझ में आई। तो ये चीज रहती है इसका पूरे एक्सप्लेनेशन, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ऐसे ही आपका यहीं से आपका एक और फॉर्मूला रहता है sin 2θ का। sin 2θ का एक और फॉर्मूला होता है, वो कौन सा है, sin 2θ बराबर क्या रहता है, 2 tan θ/1 tan²θ। ये इन दोनों फॉर्मूले को आप याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हम काफी जगह यूज करते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी चीज cos 2θ आना आती है, ये स्टार बना लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। cos θ का कितने फॉर्मूले होते हैं, बहुत सारे होते हैं, 2 cos²θ-1, एक होता है 1 - 2 sin²θ, ठीक है। एक और रहता है इसका 1 tan²θ/1 tan²θ। एक और होता है cos²θ-sin²θ। ये चीज तो आपके ये अलग अलग के चार फॉर्मूले आपको इसके दे दिए, और यहीं से आपका फॉर्मूला, ये देखिए यहां पर 2θ है तो यहां पर 1θ आया, यहीं से आपका एक फॉर्मूला बन जाता है। कौन सा बन जाएंगे, यहीं से सारे फॉर्मूले अपने आप बनते चले जाएंगे। यदि मैं यहां पर cos θ, अकेला θ लूंगा तो ये कितना हो जाएगा, cos²θ/2 - 1। मतलब क्या कि ये cos²θ का फॉर्मूला ये है, तो cos θ का फॉर्मूला क्या, यहाँ पर 2θ थे तो यहाँ पर 1θ आया, यहाँ पर 1θ है तो यहाँ पर आधा आएगा, ठीक है। और यहीं से एक फॉर्मूला तो ये हो गया, यहीं से इस वाले 1 को -1 है इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस का ये आपका cos θ है, ओके, बराबर ये क्या हो जाएगा, 2 cos²θ/2। ये चीज आ गई, समझ में आई बात नहीं आई। तो 1 cos θ का 2 cos²θ/2, इसलिए मैं डायरेक्ट लिखता हूं, क्योंकि यही फॉर्मूले थे, ये यहीं से बन गया। ऐसे ही cos θ का ये भी तो फॉर्मूला है, ये देखिएगा, ये cos θ बराबर, यदि मैं साइन में लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा, 1 - 2 sin²θ/2, ये हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा,
यदि मैं इसको इधर ले आऊं यानी कि ये वाली चीज को, तो ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा बट्टे टू बराबर यहां पे क्या बचेगा वन बचेगा, और इसको मैं उधर ले जाऊंगा। अब ये वाला जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा को उधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा साइन टू साइन स्क्वायर थीटा बट्टे टू बराबर वन माइनस कॉस थीटा। ये कॉस थीटा उधर चला गया तो माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा, तो वन माइनस कॉस थीटा, तो इसीलिए मैंने यहां पे लिखा था वन माइनस कॉस थीटा बराबर क्या टू साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस कॉस थीटा, या वन माइनस कॉस थीटा बराबर टू साइन स्क्वायर थीटा बटे टू। तो कुल मिलाकर क्या आ गया, ये वाला फॉर्मूला बन जाता है इस तरीके से, समझ में आ गया। तो ये फॉर्मूले यहां से हैं, बाकी के ऐसे ही बन जाते हैं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि हर जगह आते रहते हैं, ठीक। और आपका कुछ चीजें और सीख लो, ये दो फॉर्मूले तो है ही है, ठीक है। आपके दो तीन फॉर्मूले और रहते हैं, कौन कौन से हैं देखिए। ये तो बहुत पॉपुलर फॉर्मूला है, ये साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा बराबर क्या वन होता है। एक होता है वन प्लस टेन स्क्वेयर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वेयर थीटा होता है, ठीक है। तो यहीं से और फॉर्मूले भी बन जाते हैं कि यहां से टेन स्क्वेयर थीटा, तो टेन स्क्वेयर थीटा बराबर व्यू वन उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वेयर थीटा, ये प्लस का वन है जाके माइनस का वन हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला ये बन गया आपका, तो वन प्लस टेन स्क्वेयर थीटा की जगह पर सेक स्क्वेयर थीटा लिख सकते हैं, और टेन स्क्वेयर थीटा की जगह पर सेक स्क्वेयर थीटा माइनस वन। ऐसे ही वन प्लस यहां पर आपका कॉट स्क्वेयर थीटा है, तो यहां पर आ जाएगा आपका कोसेक स्क्वेयर थीटा। तो यहां से आपका ये यदि कॉट स्क्वेयर थीटा की यदि वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वेयर थीटा माइनस वन। एक फॉर्मूला ये आपका बन गया। तो ऐसे ही बहुत सारे फॉर्मूले बनते रहते हैं, लेकिन ये ज्यादा साइन टू थीटा और कॉस टू थीटा के ये फॉर्मूले ज्यादा महत्वपूर्ण है, इनको जरूर कर लीजिएगा, बाकी तो आते रहेंगे। और दो फॉर्मूले और, जहां कहीं पे भी आपका साइन माइनस थीटा आ जाए तो हम उसको माइनस साइन थीटा लिख देते हैं, और यहां पर कॉस माइनस थीटा आ जाए तो वो केवल कॉस थीटा आ जाता है, और टेन माइनस थीटा आ जाता है तो माइनस टेन थीटा ये चीज लिखा जाता है, ठीक है। चलिएगा, तो बस बाकी और जो भी फॉर्मूले रहेंगे वो बाकी हम बताते रहेंगे आपके, बहुत सारे फॉर्मूले त्रिकोणमिति के, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, तो वहां से जाकर चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। त्रिकोणमिति के जितने भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो मैथमेटिक्स में और फिजिक्स के डेरिवेशनों में लगते हैं, तो वो मैं सारे फॉर्मूले नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दें, कम से कम 50 से 60 फॉर्मूले देख लीजिएगा, पेपर में बहुत ज्यादा यूजफुल रहेंगे। और जो एक्सरसाइज कराओगे, ये मैथमेटिक्स की किताब है, इसकी 7.3 एक्सरसाइज हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th क्लास का, तो उसमें ये फॉर्मूले लगेंगे, इसलिए मैंने ये आपको बताया है, ठीक है। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। जय।